गवर्नमेंट के बीच पावर को शेयर करने के कई फॉर्म्स होते हैं। उन्हीं में से एक है फेडरलिज्म, जिसका मतलब है गवर्नमेंट का दो या दो से ज्यादा लेवल पर होना। इन शॉर्ट्स, एक कंट्री में गवर्नमेंट के दो टायर्स होना। बट इंडिया जैसी वास्ट कंट्री गवर्नमेंट के केवल इन दो लेवल से नहीं चल सकती थी, इसीलिए जरूरी था पावर को डिसेंट्रलाइज करना। पर ये डिसेंट्रलाइजेशन आखिर है क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इंडिया में पावर को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत क्या थी और इंडिया में ये सिस्टम किस तरह काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट दो लेवल्स पर रन करती है, सेंटर और स्टेट लेवल। पर इंडिया जैसी वास्ट कंट्री केवल इन दो टायर्स के बेसिस पर नहीं रन कर सकती थी, क्योंकि इंडिया में कुछ स्टेट्स का साइज यूरोप के कुछ इंडिपेंडेंट कंट्री से भी बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल यूपी, जो पॉपुलेशन के टर्म्स में रशिया से भी बड़ा है, और महाराष्ट्र जो कि जर्मनी के इक्वल है। इंडियन स्टेट्स इंटरनली बहुत ज्यादा डाइवर्स है, इसीलिए जरूरी था स्टेट्स के अंदर भी पावर को शेयर करना, और जरूरत थी इंडिया के फेडरल पावर में एक और टायर ऐड करने की, और इसीलिए इंडिया में पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, जिसका रिजल्ट था गवर्नमेंट का एक और टायर, जिसे कहा गया लोकल गवर्नमेंट। पर एग्जैक्टली डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? इन सिंपल लैंग्वेज, जब पावर को स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। पर इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन करने के पीछे बेसिक आइडिया क्या था? इसके बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि नंबर वन, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स और इशू हैं जिन्हें सिर्फ लोकल लेवल पर ही सेटल किया जा सकता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया या लोकेलिटी में क्या प्रॉब्लम और इश्यूज हैं उसकी नॉलेज वहां रहने वाले लोगों को ज्यादा होती है, और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है और किन इश्यूज पर ज्यादा मनी स्पेंड करने की जरूरत है, इन सब के लिए उनके पास बेटर आइडियाज होते हैं। नंबर टू, इन सब के अलावा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, जो तब ही पॉसिबल है जब लोगों को डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, जो कि डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल भी है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसका सबसे अच्छा और बड़ा एग्जाम्पल है। हमारी कंट्री में पावर को डिसेंट्रलाइज करने की कई बार कोशिश की गई, पर इसे फाइनली सक्सेस मिली 1992 में, जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया 1992 में। डेमोक्रेसी को और पावरफुल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट किया गया और ऐड किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसके अंदर आता है पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी। इन अमेंडमेंट्स के जरिए इस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी किए गए, जैसे कि नंबर वन, लोकल बॉडीज में रेगुलर इलेक्शंस को मैंडेटरी कर दिया गया। नंबर टू, इन इंस्टीट्यूशंस में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। नंबर थ्री, 1/3 सीट्स को वीमेन के लिए रिजर्व किया गया, पर कुछ स्टेट्स आज ऐसे भी हैं जो ये रिजर्वेशन 1/3 से बढ़ाकर 50% कर चुके हैं, जैसे कि बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। नंबर फोर, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका काम होगा पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाइम टू टाइम इलेक्शंस को कंडक्ट करना, लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स और रेवेन्यू देना, यानी स्टेट गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर को शेयर करना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल और अर्बन एरियाज के लिए अलग अलग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जैसे कि रूरल एरियाज में जो गवर्नमेंट काम करती है उसे जाना जाता है पंचायती राज के नाम से, जो कि एक थ्री टायर स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे आता है विलेज लेवल, जिसके अंदर आते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, बहुत से विलेजेस को मिलाकर बनता है एक ब्लॉक, और इसलिए विलेज के ऊपर आता है ब्लॉक लेवल, और बहुत से ब्लॉक्स को मिलाकर बनता है एक डिस्ट्रिक्ट, और सबसे ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो रन करती है अर्बन एरियाज में, उन्हें जाना जाता है म्युनिसिपैलिटीज के नाम से। अर्बन लोकल गवर्नमेंट तीन तरह की होती है, एरियाज के साइज और वहां की पॉपुलेशन के बेसिस पर। नंबर वन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो उन एरियाज में होती है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर होती है। नंबर टू, म्युनिसिपल काउंसिल, जो छोटे सिटीज में होती है। नंबर थ्री, टाउन कमेटी, जिसे नगर पंचायत भी कहा जाता है, ये उन एरियाज में होती है जो ट्रांजिशनल फेज में होते हैं, यानी जो गांव से शहरों में बदल रहे हैं। अगर आप इस सिस्टम के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस की प्लेलिस्ट पर जाकर इन दोनों का डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं।
तो इस तरह से 1992 में हमारे कंट्री में पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया। लोकल गवर्नमेंट का ये नया सिस्टम डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था, जिसमें करीब 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स को पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा चुना जाता है। बट अभी भी इस सिस्टम में एक आइडल सेल गवर्नमेंट बनाने के लिए काफी दिक्कतें हैं। आपके इसके बारे में क्या राय है? क्या आपके एरिया में ये सिस्टम इफेक्टिवली काम करता है? कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको डिसेंट्रलाइजेशन समझ आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।